हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने मैं वो बात लेके आ रहा हूँ जो मेरे मेरा रोज का दिनचर्या है, मतलब मेरा रूटीन क्या है। ओनली आफ्टर आई हैव गॉट इन टू स्पिरिचुअलिज्म, जो समय समय पर आपको मैं बताते जाता हूँ, ये फिर उन्हीं के लिए है जिनको स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट हो। तो टू स्टार्ट विथ, जिसको बोलते हैं ना बेसिक्स करना, इन द मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप, एज सून एज आई ओपन माय आईज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गेट अप, सिट एंड यू शो ग्रैटिट्यूड दैट यू आर अलाइव, आप आज जिंदा हो, यू आर ब्रीदिंग, एंड यू हैव टू थैंक द यूनिवर्स दैट इट्स अ न्यू डे फॉर यू, इट्स अ न्यू लाइफ फॉर यू। ये सबसे पहला काम। नेक्स्ट 10 मिनट्स टू 12 मिनट्स डू नॉट टॉक, जस्ट रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ, आई कम टू माई लिविंग रूम। मेरे लिविंग रूम में ये जो डायरी है ये राइट दे पड़ी होती है हमेशा, अलॉन्ग विद द पेन विच इज योर, कैन सी दिस। आई स्टार्ट माई डे विद राइटिंग माई डायरी, इट्स द फर्स्ट थिंग आई डू एज सून एज आई गेट अप। जब तक मैं डायरी लिख रहा होता हूँ मेरी चाय बन रही होती है, एंड दस ऑफ दिस। अब डायरी में लिखना क्या है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। देयर आर टू थिंग्स दैट हैज टू बी रिटन इन द डायरी। आई डोंट राइट बोथ एवरी डे, बट वन इज ग्रैटिट्यूड, द अदर आर एफर्मेशंस। ग्रैटिट्यूड देन आई डिवाइड इनटू 5। ये बहुत प्राइवेट है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन पढ़ जरूर रहा हूं कि हाउ डू आई राइट इट। कभी कभी हर डे पे लैंग्वेज चेंज करता हूं, लेकिन उसका सारांश, उसका जो जिस्ट है वो सेम रहता है। आई राइट द डेट, आई राइट द डे, एंड देन एज आई एम अ बिलीवर ऑफ साई बाबा, आई ऑलवेज राइट ओम साई राम, देन सतनाम वाहे गुरु, देन जय माता दी। ये आप चेंज कर सकते हो, इट्स दिस इज नॉट मैंडेटरी। एक्चुअली कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। Then I write over here Father God, or you can say sign, or you can say whichever deity you believe in. Thank you, thank you, thank you. Please remember it has to be always written thrice. Thank you, thank you, thank you. Or I am truly blessed and grateful. Again, there's a choice, whatever you feel like. So thank you, thank you, thank you for a new day and a new life. Ye mera gratitude hai towards my Father God that I am alive today. This is the first. Second, dear universe, I am truly blessed and very grateful for all that is happening in my life. That means मेरे साथ जो भी हो रहा है मुझे पता है वो अच्छे के लिए हो रहा है। So Father God, then the universe. Next is my dear guides and my angels. I love you and I honor you for your services. Or you can even say thank you, thank you, thank you for you being around me, for guiding me on my path, protecting me, whatever comes. It is first the Father God, then the universe, then your angels, guides. The fourth one is very important. I thank the Gaia, Ma, Mother Earth. So dear Mother Earth, thank you, thank you, thank you for all the resources that you provide to us on this planet for our survival. जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं कहां से आता है, कहां से निकलता है, कहां रहते हैं, we are supposed to thank Mother Earth for that. I write to Magic Money. I say, dear Magic Money, help me, help me, help me. Oh, thank you, thank you, thank you for flowing into my life in abundance. Or sometimes I say,
help me to support my small little family. I need you to secure my family. ये जो बातें हैं, it has to come from within. The only thing is, five things you have to understand that you are showing gratitude for. Number one, Father God. Next is the universe, angels, Mother Earth, and money. Down, you have to put your signature. Like I write Ricky Chandra. Put a smiley over there. Close the book. Done. Start your day. See the magic how it happens. काम करेगा. Immediately जिंदगी में कुछ नहीं होती है. कुछ चीज नहीं होती है. You have to give some time to it. It has to manifest in its own time period. It doesn't happen like कि आपने आज एक पेज लिखा, सेकेंड पेज लिखा, थर्ड पेज लिखा. No. ऐसी पता नहीं कितनी डायरियां होंगी पिछले 3-4 साल में मैंने भर दी होंगी. एंड बिलीव मी, मैं आपसे ज्यादा अंदर की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई वुड लाइक टू शेयर. यस, आई हैव मैनिफेस्टेड लॉट ऑफ थिंग्स. यस, थैंक यू सो मच.